जनपद रुद्रप्रयाग में सीएम धामी ने उखी मठ के ओमकारेश्वर मंदिर से शीतकालीन चार धाम यात्रा का शुभारंभ कर दिया है। सीएम धामी ने भ्रमण के दूसरे दिन उत्तराखंड को बड़ी धार्मिक सौगात देते हुए 12 महीनों चलने वाली चार धामों की यात्रा शुरू कराने की घोषणा की है। ये बता दें कि उत्तराखंड में लंबे समय से चार धाम शीतकालीन यात्रा की आवाजें उठ रही हैं, जिसके चलते चार यहाँ पर आज सीएम धामी ने विधिवत केदार बाबा के पवित्र धाम से चार धाम यात्रा का ऐलान कर दिया है। शीतकालीन चार धाम यात्रा शुरू होने से उत्तराखंड में 12 महीनों देश विदेश से यात्री दर्शनों को आएंगे, तो वहीं यहाँ के स्थानीय लोगों को भी आर्थिक यहाँ पर लाभ मिलेगा। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की खास रिपोर्ट। भगवान पंच केदार के इस पौराणिक धार्मिक और सबके आस्था के प्रार्थना की है कि शीतकालीन जो यात्रा प्रारंभ हो रही है वो यात्रा हमारी सफल हो और आने वाले समय में इस प्रकार से हमारी कपाट खुलने पर चार धाम यात्रा होती है, उसी तरह से अब 12 महीने हमारी यात्रा भी चले और 12 के 12 महीने लगातार लोगों का आना हो यहाँ पर, उनके लिए सभी व्यवस्थाओं को भी सुनिश्चित किया जा रहा है और सभी को निर्देश भी दे दिए गए हैं। एक तरह से उसका प्रारंभ हो गया, भगवान से प्रार्थना है, भगवान इस यात्रा को अनवरत रूप से जारी रखें, अनवरत रूप से ये चलती रहे, ऐसा उनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो।